हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो मौसम तो आप देख रहे होंगे, बारिश का हो चुका है नहीं, बारिश ही आ रही है। और ये टाइम है 2 या 2:30 बजे के आसपास का, क्योंकि बच्चे आ चुके थे स्कूल से और बच्चों ने जैसे कपड़े चेंज भी नहीं किए थे उससे पहले ही बारिश आने लग गई थी। और इतनी तेज़ बारिश आई थी, कम से कम 1 या 1.5 घंटे तक तो ये पानी ऐसे लगातार गिरा था और पूरी जो गली है वो पानी से भर गई थी। और बारिश का इतना अच्छा मौसम और इनके साथ अगर चाय और पकौड़े मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो चलो, तो फिर इतने अच्छे मौसम है बारिश का तो फिर हम भी बनाते हैं पकौड़े। यहाँ हो रही है पकौड़ों की तैयारी, लेकिन सिलेंडर अभी हो गया है ख़त्म। नीचे रखा हुआ सिलेंडर और अभी दूसरा सिलेंडर लगाएंगे यहाँ पे। जी आटा निकाला है चाकी से, इसको मैं डाल देती हूँ अपनी टंकी के अंदर। यहाँ दूसरा सिलेंडर है वो लग चुका है, इसको कर देंगे थोड़ा अंदर। यहाँ मैं डाल देती हूँ अपनी टंकी में आटा, क्योंकि ये आटे के लिए बना रखी है ये टंकी। तो ये खाली कर दिया है टब, क्योंकि अभी दोबारा से लाइट आएगी तब चलाऊंगी। और अपनी टंकी भी कर देते हैं बंद और कर देते हैं स्लिप के नीचे। अब बने पकोड़े। और जैसे ही हमने ये पकोड़े बनाने की तैयारी की, उससे पहले ही हमारा सिलेंडर है वो ख़त्म हो चुका था। वो तो हमने एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रखा हुआ था वो लगा लिया था, जो कि ये सोच के रखते हैं ना कि पता नहीं कौन सी चीज़ कब क्या काम आ जाए। तो बस वही चीज़ हमारी रखी हुई चीज़ हमारी काम आ गई, तो फिर सिलेंडर लगाया और उसके बाद हमने यहाँ पे बनाए थे पकोड़े। और साथ ही साथ हम बना रहे थे पनीर की सब्जी। तो चलिए, अब पकोड़े तो हमने बना लिए हैं, तो अब बनाते हैं पनीर की सब्जी। और यहाँ पे मैंने पहले से प्याज और टमाटर इनको तड़का लगा के अच्छे से पका लिया था, और अभी मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ा था। अभी इसको मैं मिक्सी से पीस लूँगी और चेक कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कि ठंडा हो चुका है या नहीं हो चुका है, लेकिन हो चुका था ठंडा। और अब मैं यहाँ पे प्याज और टमाटर को वो ग्राइंडर से मैश कर लूँगी। और ये जो आपको पीछे जो कढ़ाई है ये काली दिखाई दे रही होगी, क्योंकि हमने ली तो थी स्टील की कढ़ाई, लेकिन जब बाद में है ना जो इसके नीचे वाली परत है वो उतर रही है, तो कहीं मार्केट वगैरह जाएंगे तब उनको अच्छे से वेल्डिंग करवा के लानी पड़ेगी। देखिए मैं आपको बता रही हूँ ना, वो ये वाली प्लेट है यहाँ से निकल गई है, हमने उसको उठा के रख रखी है, तो इसी के कारण है जो ये कढ़ाई है थोड़ी थोड़ी जल चुकी है। लेकिन ऐसे सब्ज़ी वगैरह को ये वो ख़राब नहीं हो रही थी, तो इसीलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर गैस पर मैंने एक साइड पे वो सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई रख दी थी और एक साइड वो पकौड़े बना रही थी अभी भी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, पहले तो मैं इसको तड़का लगाऊंगी। और अभी सावन चल रहा है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, यानी कि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला या वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ जो हम घर में नमक मिर्च मसाला जो भी यूज़ करते हैं उन्हीं से मैं ये सब्ज़ी बनाऊँगी। जीरा गूंदने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि छौंक में जब भी हम प्याज या टमाटर वगैरह डालेंगे तो उसकी छींटे हैं वो अपने ऊपर ना आए, तो इसी कारण से मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ। आज श्री आ रहे हो है भाई, श्री चाय की चुस्के ले रहे हो है, और बच्चा पार्टी। आज मौसम बढ़िया है इसलिए चाय पी जा रही है। बोलो जी, यहाँ रोटी बना रही हैं।
वीडियो के लिए फोन उठाते ही सारे इसे चुप हो जाए हैं जना, तो बस टेप लगा दी। सुबह की चाय तो बना दी ना भाई, पी से मतलब बहुत बना दी सुबह की चाय। हमने भी देख लेना है, पी में लग जाऊ। अरे मोंटियर गई है जब पांच छात बनी है। मैं ना घर तो पी ओड़ी जा था, पर सुबह की चाय पी। अरे रुको बेटा, आज रोटी खाई पूरी शाम ने बिना बनाई है, कै दिन होगा। ऑर्डर दो चाय बनेगी। मौसम हो रहा है खराब और आने लग रही है बारिश, और बारिश के मौसम में चाय का मजा लिया जा रहा है। श्री ने चाय पी के खत्म कर दी। अरे मैं बना रही हूँ रोटी, तो मैं अपनी ले लेती हूँ।